आज मैं आपके लिए चिकन की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप एक बार बनाएंगे तो रोज खाना चाहेंगे। ये इतनी मजे की होती है। इससे पहले कि आगे बढ़े, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लेंगे 3 मीडियम प्याज, उसमें ऐड करेंगे 3 इंच का अदरक का टुकड़ा, करीब 4 हरी मिर्च, इसमें हम 8 से 10 लहसुन की कलियां ऐड करके पीस करके साइड में रख देंगे। अब हम लेंगे करीब 800 ग्राम चिकन, इसको हमने धो लिया है। इसमें 1 टेबलस्पून दही का ऐड करेंगे। इसको मिक्स करिए। इसको मिक्स करने के बाद में 1 टेबलस्पून हमने जो अभी पीस कर रखा था अदरक लहसुन, उसको आप ऐड कर दीजिए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून पिघला हुआ देसी घी। इससे चिकन बहुत ही ज़्यादा जूसी बनेगा। सबको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून नमक का। इसको मिक्स कर दीजिए। जब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो इसको हम मैरिनेट करेंगे 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो आप उसको इमीडिएटली पका सकते हैं। 200 मिलीलीटर खाने का तेल लेंगे, यानी कि वेजिटेबल ऑयल। फिर उसमें हम चिकन के पीसेस को फ्राई करेंगे। ज़्यादा पीसेस इसमें ऐड मत करिएगा वरना ऑयल ठंडा हो जाएगा। फ्लेम को आपको मीडियम पर ही रखना है। दोनों तरफ से इसको फ्राई करना है। बस सिर्फ इसके अंदर के जो जूसेस है ना, उसको सील करना है, तब ये बहुत ही जूसी और यमी बनेंगे। ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करिएगा। चिकन के पीसेस को आप 2 मर्तबा में फ्राई कर लीजिए। एक दफ़ा ये फ्राई हो जाए तो इसको एक प्लेट में डाल करके साइड में रख दीजिए। देखिए, मैं इसको 2 टर्न्स में फ्राई कर रही हूँ। ये इतना यम्मी, इतना डिलिशियस बनता है कि आप इसको एक दफ़ा पकाएंगे ना तो आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे और बार बार इसको खाएंगे और आप कभी बोर नहीं होंगे। इतनी मज़े की रेसिपी है ये, और प्लस बहुत ही इजीली भी बनती है। तो सोने पे सुहागा। अब हम इसमें अपना जिंजर गार्लिक और अनियन का पेस्ट जो हमने बनाया था उसको ऐड करेंगे। इसको हमें फ्राई करना है ताकि इसके अंदर की जो अदरक लहसुन की हींक होती है वो निकल जाए। ये जो चिकन मैरिनेशन में बचा हुआ थोड़ा सा पानी है ना, इसको भी आप ऐड कर दीजिए। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाना चाहिए। थोड़े से पानी से इसको खंगाल दीजिए और वो भी ऐड कर दीजिए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भून के कुटा हुआ जीरा का पाउडर, 1 टेबलस्पून भून के कुटा हुआ सौंफ का पाउडर। सौंफ जो होता है ना, ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसको ज़रूर ऐड करिएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे भून के कुटा हुआ धनिया का पाउडर, ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। गरम मसाले की मेरी घर की रेसिपी है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के देसी घी। टेस्ट ऑफ इंडिया, अमूल का घी है, बहुत ही मज़ेदार होता है। अमूल का घी ना हो तो हमारा खाना बनता ही नहीं है। अब इसको 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे, तेल और मसाले बिल्कुल अलग हो जाए। इस टाइम पर आप आंच को मीडियम ही रखिएगा। देखिए, तेल और मसाले बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं। अब हम इसमें धीरे धीरे चिकन के पीसेस को ड्रॉप करेंगे। आंच को आप धीमी कर लीजिए वरना मसाले चिपकने लगेंगे। जब सारे चिकन के पीसेस इसमें ड्रॉप हो जाएं, तो इसमें ये जो बचा हुआ वाटर है ना, ये भी आप ऐड कर दीजिए। जैसे कि मैंने बोला है ना, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होना चाहिए। सबको बहुत ही अच्छी तरीके से मिला लीजिए। एक दफ़ा ये मिक्स हो जाए तो इसमें 200 मिलीलीटर पानी ऐड करेंगे और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक का। नमक को भी मिक्स कर लेंगे इसमें।
और फिर इसको कवर करके लो फ्लेम के ऊपर में 15 मिनट के लिए धीमी धीमी आंच पर पका लेंगे। एक दफा 15 मिनट कंप्लीट हो जाए तो फिर अब हम इसकी बुनाई शुरू करेंगे। अब आप फ्लेम को हाई पर कर सकते हैं। इसको हमें बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है, तब तक जब तक कि चिकन पूरा गल ना जाए या फिर पूरा इसका मॉइस्चर जो है वो ड्राई ना हो जाए। आइए चलिए चिकन को चेक कर लेते हैं। चिकन बहुत ही सॉफ्ट और लाजवाब बना है। और अब कुछ नहीं करना है, इसका सिर्फ हमको पानी सुखाना है। हरी धनिया से इसको गार्निश करिए और ढककर छोड़ दीजिए करीब 10 मिनट के लिए। इसका ऑयल अपने आप उठ जाएगा। इसमें आप चाहे तो 2 टेबलस्पून पानी का ऐड कर सकते हैं। तो थी ना मज़ेदार रेसिपी, थम्स अप ज़रूर दीजिएगा क्योंकि ये सच्ची में बहुत अच्छी रेसिपी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।